हेलो गाइस, आई होप सब आप अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। और गाइस बता दें, आप इसका एनालिसिस ज़रूर चेक कर लें। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज़रूर इन्फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप इस स्टॉक से अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो चलते गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, इसका अबाउट सेक्शन में इसका टिकट आप पढ़ सकते हो। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। गाइस, इसका जो बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ये कंपनीज करती है, जो बिल्डिंग को डेवलप करती है, जो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनीज को प्रॉफिट होता चला जा रहा है। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो गाइस, इस कंपनीज का 303 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और गाइस, इसका करंट प्राइस जो है इस टाइम 7.70 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। एंड आप इसका हाई प्राइस देख सकते हो गाइस, एक साल में कितना गया था, 10.06 रुपये इसका हाई प्राइस गया था। एंड इसका लो प्राइस जो गया था गाइस, 4 रुपये इसका लो प्राइस गया था। अब गाइस, इसका मैक्सिमम प्राइस देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था गाइस। इसका जो हाई प्राइस गया था गाइस, 23 रुपये इसका हाई प्राइस गया था, जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक को सेल आउट किया। इसीलिए गाइस, इस टाइम जो है इसका प्राइस है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब गाइस, इसका देख सकते हो इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, बट आपको बता दे गाइस, कंपनी जो होती है अपनी इंडिकेटर्स में अपनी डिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लिख देती है, बट आप इसका एनालिसिस सारा इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म होना चाहिए, तभी आप कंपनीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। इसका कंपैरिजन देख सकते हो गाइस, किस किस कंपनीज के साथ इसका कॉम्पिटिशन चल रहा है। जस्ट वन सेकेंड गाइस, ये देखो गाइस, मैक्रोटेक डेवेल के साथ, नेशनल स्टैंडर्ड के साथ, KNR कंस्ट्रक्शन, जो काफ़ी ये फेमस कंपनीज है, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट भी मानी जाती है। अब गाइस, इसका क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो गाइस, इस कंपनीज का कितना बेस्ट है। देखो गाइस, इसका क्वार्टर रिजल्ट जो है 23 करोड़ 38 लाख इसका सेल आउट हुआ है, सेल हुई है। और इसका जो एक्सपेंसिव जो खर्चे हुए हैं गाइस, 21 करोड़ 27 लाख इसका खर्चा हुआ है इस साल में, 2021 में। अब आप इसका बैलेंस शीट देख सकते हो गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ का बेस्ट माना जाता है। कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा सा कम कर्जा होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसका गाइस टोटल लायबिलिटीज़ देख सकते हो गाइस, 300 करोड़ 78 लाख इसका टोटल लायबिलिटीज़ है, जो काफ़ी कम लग रहा है। बट आप इसका टोटल एसेट देखो, एसेट आप देख सकते हो गाइस, 300 करोड़ 78 लाख इसका टोटल एसेट भी है, जो कंपैरिजन के हिसाब से सेम लग रहे हैं। एंड आप जो कंपनी का मेन टॉपिक होता है गाइस, उस चीज़ को आप देखो, तब आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि गाइस, अगर कंपनीज़ के पास कैश नहीं पड़ा हुआ है, कंपनीज़ के पास प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है कंपनी, तो आपको कैसे प्रॉफिट देगी। बट कंपनीज़ के पास पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 12 करोड़ नेट कैश फ्लो है, जो काफ़ी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है। और गाइस, आपको भी ये कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। गाइस, कंपनीज़ के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तभी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सी कंपनी का जो कैश फ्लो होता है वो माइनस में होता है, इसीलिए गाइस वो कंपनी ज़्यादातर वो प्रॉफिट नहीं दे पाती है, और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है उस कंपनी में। तो आपको दिखाते हैं कितना पब्लिक ने इसका शेयर होल्ड किया है, और कितना प्रमोटर ने किया है। गाइस, इसका प्रमोटर ने किया है 61%, और इसका पब्लिक ने किया है गाइस 32%। गाइस, प्रमोटर ने इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है, क्योंकि इस स्टॉक में, इस कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, तभी तो ये इसका जो प्रमोटर है काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलने वाला है। बट आप अपनी पर्सनल रिसर्च कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले, एंड अपने ब्रोकरेज के साथ कंपैरिजन कर लेना, तब आप इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रिसर्च गाइस ज़रूर चेक कर लेना, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।